आगाज हुआ डेवलपमेंट तक, अब डेवलपमेंट जो करने जा रहे हो पूरे सभापुरा में हो रही है या फिलहाल शुरुआत में कहाँ कहाँ हो रही है? शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए। फिलहाल हमने आगाज किया है जो हमारी सभापुरा की पंचायत है, जिसमें मिस्टर गवर साहब, बीडीसी जहांगीर साहब और भी सरपंच साहिबान है, पाई साहिबान है, हमने आगाज़ किया डेवलपमेंट का। जो लोगों का, जो हमने लोगों का वादा दिया था, इंशाल्लाह वो हम 5 साल में पूरा कर देंगे। तो दूसरी बात रही बात डेवलपमेंट की, तो मैग्नमाइजेशन इंशाल्लाह हो रही है। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक आपका अभी जो जल गया है, तो उस बारे में आपने क्या कौन सा इकदाम उठाया और क्या करने जा रहे हो उस बारे में? उसमें हमने एसएसपी साहब को भी एक कॉपी भेजी थी, एलजी साहब को भी एक कॉपी भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मैं फिर से अपने एसएसपी साहब गांधरबल से अपील करता हूँ एसएचओ साहब को कि उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो तीसरी बात, ये जो लैंड माफिया है उनको आपने कदम किस हद तक लगाया? लैंड माफिया के खिलाफ है हम आज भी और कल भी रहेंगे। जब तक हम पंचायत हैं हम लैंड माफिया को आगे बढ़ने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक वादा किया है कि यहाँ पे जो जिसको बोल रहे हैं मतलब यथोना ची घास चल रही वो हमारी जायदाद है, हम उसको लूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और एक बात, आपने डेवलपमेंट की और कदम आप बढ़ाया है, ये डेवलपमेंट कितने दिन तक कंप्लीट होगी? क्योंकि जो मैग्नमाइजेशन है काफ़ी रोड खस्ता है। अगर हम बात करें इस एरिया की जहाँ पर हम इस वक्त है, ये कई टाइम से पेंडिंग ही था, तो फिलहाल इन लोगों को आपने ये जो राहत आज दी है तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? ये आई थिंक मतलब 2017 में इसका एस्टिमेट हुआ था, लेकिन टेंडर नहीं निकल रही थी। फिर हम पंचायत के लोग, गवर साहब, सरपंच साहिबान और पाई साहिबान, हम यहाँ पे आरएनबी गांधरबल के पास गए, वहाँ पे हमने टेंडर निकाली, प्लान पास किया, तो आज काम चल रहा है। इंशाल्लाह अब हमारा प्रोग्राम है मेन मार्केट सफापुरा, त्रिसा रोड, उसके बाद गोइस्तान कॉलोनी रोड, उसके बाद इंजीनियरिंग जो कॉलेज रोड है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हो जाएगा। और ब्लॉक की बात आप कर रहे थे, ब्लॉक हमने एक फैसला लिया है, बीडीसी साहब ने, सरपंच साहब ने, डीडीसी साहब ने, हमने एक फैसला लिया कि यहाँ पे हमें 2 पंचायत है सभापुरा में, सभापुरा बी और सभापुरा सी में। फिलहाल हमने वहाँ पे डिसाइड किया है कि हम ब्लॉक फिलहाल सभापुरा सी में रखेंगे, ये हमने डिसाइड किया है। तो मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। अभी जब तक ब्लॉक वहाँ से हम नए बना देंगे तब तक हमने फैसला लिया है पंचायत बॉडी ने कि हम सभापुरा सी में रखेंगे, तब तक हम रखेंगे फिलहाल जब तक नई बिल्डिंग आ जाएगी। शुक्रिया सर। कि एज ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी सभापुरा, हम ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी सभापुरा के आवाम की, हम काफ़ी सफ़र कर रहे थे इसको लेके। आज यहाँ पर इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया, तो इस डेवलपमेंट को हम वेलकम करते हैं। हम काफ़ी शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के कि उन्होंने इस काम को यहाँ पर स्टार्ट किया, और इसमें जो हम साथ ही साथ जो हम शुक्रगुजार है जो हमारे जो डीडीसी मेंबर सभापुरा है, उन्होंने भी इस टेंडर अलॉटमेंट में अपना एक रोल अदा किया कि इसको स्पीड अप करने के लिए, इसको फॉलो अप करने के लिए, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के। साथ ही साथ हमें ये जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो जो कि जरोगा बाग जो रोड है, मेन रोड है, इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल का रोड है या हायर सेकेंडरी का जो रोड है वो इस प्रोसेस में नहीं आता था, इस प्लान में नहीं आता था। तो इसमें जो पर्सनली इंटरवीन किया है डीडीसी साहब ने कि एक लिंक रोड जो कि हमारे हॉस्पिटल, जो कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर हमारा रोड मैग्नमाइजेशन हो जाए और हायर सेकेंडरी के लिए, तो इसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मुझे जो हमने यहाँ फील किया पिछले कुछ महीनों से, यहाँ पर जो हमारे डीडीसी मेंबर है वो एक डेवलपमेंट जो हमने यहाँ पर देखी जिसको हम वेलकम करते हैं, वो ये है कि ये यहाँ कामों को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसीलिए हम जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम एज ए सिटीजन हम बिजी रहते हैं अपनी फैमिलीज को लेके, अपने स्टडीज को लेके, इसलिए हम किसी को अपॉइंट इलेक्ट करते हैं कि आप ये काम संभालिए। अब चूंकि ये पर्सनली, चाहे वो सैनिटेशन का काम हो, रोड मैग्नमाइजेशन का हो या किसी और डिपार्टमेंट का काम हो, इसको ये सुपरवाइज कर रहे हैं, इससे क्या होता है, एक तो ये जो पब्लिक का जो टैक्स बेस का जो मनी है उसका एक जुडिशियस यूज़ होता है, दूसरा ये है कि इनके सुपरविजन से जो करप्शन का जो एक स्कोप बनता था वो कम होता है, तो
इसके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से। ये एक मैच मार्क सेट कर रहे हैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उनके इलाकों में, उनके मोहल्ला कोच में जब भी कोई काम हो वो भी उसको सुपरवाइज करें। इसके लिए उन्होंने एक बेंच मार्क स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, उन्हें भी पेनिस लेनी चाहिए कि जो भी कोई काम हो उसको अच्छे से सुपरवाइज करें ताकि पब्लिक मनी जो है उसका जुडिशियस यूज हो जाए। डेफिनेटली देखिए, वी आर सीइंग अ टेंजिबल चेंज फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ। जैसा मैंने कहा कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले इस तरह से सुपरविजन नहीं होता था, लेकिन अब सुपरविजन हो रहा है। और धीरे धीरे जो इनके जो वादे थे जिन्होंने जो लास्ट टाइम जो अपना प्लान हमारे साथ शेयर किया सफापुरा की आवाम के साथ, उसमें जो हमारे मेजर कंसर्न्स थे जैसे हॉस्पिटल की जो हॉटलाइन थी या वहाँ का या पीएचजी का, उन्होंने उसमें रखा है अपने प्लान में। तो जो हमने उन्होंने देखा, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। क्योंकि एक महीने में हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हो रहा है, इट विल टेक टाइम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 5 ईयर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी ये काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से काम हो गया तो इंशाल्लाह रहमान ये भी इनके जो वादे भी पूरे हो जाएंगे। और इसमें इनके हर किसी काम में जो अच्छी काम हो उसमें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशी की बात है, अब यहाँ कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है इससे पहले जितनी भी हुकूमत है कि किस हद तक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, किस हद तक डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार आई, मौजूदा सरकार एक का एक मकसद था कि हम नई तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हर जगह करेंगे, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा था सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के कामों पे नहीं लगाया जा रहा था। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक सिस्टम को चेंज कर दिया गया। सारा कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, पूरे देश का बच्चा बच्चा, क्योंकि देश के कोने कोने में सच सरकार डेवलपमेंट चाहती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जितने भी ये खासकर पंचायत बॉडी को एम्पावर किया गया, उसमें वाकई अभी देखने को मिलता है कि ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है और हो रहा है, और लोग भी मुतमिन हैं। और ख़ासकर ये जो मैग्नमाइज यहाँ पे हो रहा है, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जब अमन, शांति और डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें लाजमी हैं। अगर आपके देश में अमन और शांति हो तो तब जाके डेवलपमेंट हो सकती हैं। उसके लिए हम यहाँ की जो हमारी डीसी साहिबा है जो नई आई हुई है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की, उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। उन्होंने उनका इसमें खासा योगदान रहा है, उन्होंने हमेशा पूरा ताउन दिया। और हमारे एसएसपी साहब जो गांधरबल के हैं उनका भी खासा ताउन रहा है। ये जो हमारे मुतलका एसएचओ साहब है, तो अमन व अमान को बरकरार रखने में इनका खासा रोल रहा है, तब जाके यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो साथ ही साथ जो हमारी पंचायत बाड़ी हैं, पंच हजरात है, सरपंच हजरात है या हमारे डीडीसी साहब है, इनकी मेहनतों से ये सब कुछ हो रहा है। और वाकई लोग कहीं ना कहीं 70% लोग मुझे लग रहा है कि मुतमिन हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन सालों में इंशाअल्लाह ताला वो कुछ होगा जो आज तक जिनकी उम्मीद लोगों को है कि ऐसा होना चाहिए, वही कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा मकसद है। देखिए, चूँकि ये जो ब्लाक का वाक़ा हुआ जिसका हमें इंतहाई अफसोस है, हमारे मुतलका एसएचओ साहब है इंतहाई इंटेलिजेंट और मेहनती हैं। उस वक्त वो वहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ पे एफआईआर इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो उसका सिलसिला शुरू किया। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे लगे हुए हैं, एसएसपी साहब भी इस पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि कोई बैठा हुआ है, अपने हिसाब से सारी एजेंसियाँ इस पे काम कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम लग सकता है, लेकिन कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। अब उसके बाद हमने जो हमारे एसीडी साहब है उनसे हमने बात की, डीसी साहिबा से बात की कि जब तक ये आप इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कामों में हमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर, खासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो आए, उन्होंने हमें कहा कि आप ठीक हैं, अगर आपके पास कोई मुतबादल जगह है आप वहाँ पर फिलहाल ब्लॉक को शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो डेवलपमेंट के काम है इनमें कोई रुकावट पैदा ना हो। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर अभी डीजी साहब ने आपके सामने कहा कि जो हमारे सारी पंचायत बाड़ी है, सरपंच साहब आए, उन्होंने ये सभापुरा सी जो है वहाँ पर हमारी पंचायत है उसको आर्जी तौर पर वहाँ पर हमने शिफ्ट किया है। शुक्रिया। हमें ये सिटीज़ एंड टाउन्स में ये प्रोग्राम आया था जरोखा बाग, ये हमें 1 किलोमीटर में इसमें हमें अलाटमेंट आई है एंड वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम मॉर्निंग वी आर डूइंग वेट मिक्स इन पैचेस एंड स्ट्रेट्स, खड्डों में हम डाल रहे थे। अब हमने मैगनम शुरू किया है 50 mm मैगनम कम्पैक्टेड जो यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ हम गेज साथ साथ हम गेज में चेक कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर भी हमने चेक कर रहे हैं, प्लांट में हम इसकी टेस्टिंग भी हो रही है। तो
प्लांट में टेस्टिंग होके वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। अब साइट पे भी और दो टेस्ट हो जाएंगे, इसको दो या तीन टेस्ट ठीक निकलेगा तब ही गाड़ी को हम अलाउ करते हैं कि आप शुरू करो काम। अगर टेस्ट सही नहीं निकला तो हम गाड़ी को वापस ले जाते हैं। तो इसकी डेप्थ हमें कंपैक्टेड 50 mm डालना है और हम लूज 78 mm डालते हैं लूज। फिर जब कंपैक्शन होती है कंपैक्शन में ये 2 इंच का आना चाहिए। नहीं, मयार की बात नहीं है ये, किसी जगह या तो चिनार के दरख्त होते हैं उधर उखड़ जाता है क्योंकि उसमें धूप पूरी तरह से नहीं पड़ती है, या किसी जगह लो लेवल एरिया होता है उसमें वो उखड़ जाता है। क्योंकि अब यहाँ हम सिटी में उन्होंने ये कंक्रीट पेमेंट शुरू की है जो कि विच इज़ बेस्ट फॉर द एटमॉस्फेयर इन कश्मीर, क्योंकि वो उसका कास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट एवरीवेयर। सो हम जो मैग्नमाइजेशन कर रहे हैं वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कीप द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क विद ऑल स्पेसिफिकेशन। थैंक यू।